एबी न्यूज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। हमने जैसे ही बता दिया था कि 31 उम्मीदवार यादव संघ के चुनाव में अपने भागीदारी आजमा रहे हैं, अपने भविष्य को लगाए हुए कि चुनाव जीत के आएंगे। उस हिसाब से पहले आपको बताए थे कि 31 लोग में कुछ इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, कुछ पैनल के साथ लड़ रहे हैं। हमारे रिपोर्ट के हिसाब से जो समय सारणी तय की गई थी उसमें 29 और 30 तारीख तय किया था, जिसमें चार पैनलिस्ट थे और चार पैनलिस्ट के साथ एक इंडिविजुअल भी, इंडिविजुअल इनकी मान्यता है, इंडिविजुअल भी एक पैनलिस्ट होता है, तो इनका नाम है एडवोकेट किलाचंद जी, समाज के सबसे वरिष्ठ, और इन्हें आप चेहरे से जान सकते हैं, इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट सवाल करते हैं, आप इस चुनाव में बड़ा दिनों के बाद, या कहें इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़े, तो आपने क्या सोच के इस चुनाव लड़ने का प्लान किया? देखिए भाई, मेरा ऐसा विचार है कि जो विद्यालय का स्थापना की गई यादव संघ के, ऐसा तो नहीं था कि यादव के बच्चों को बाहर एडमिशन नहीं मिलता या कहीं पढ़ नहीं सकते, इसी विद्यालय में पढ़ेंगे। इसलिए बनाया गया था कि जो विद्यालय के साधन सुविधा उपलब्ध होगी वो हमारे समाज के बच्चों को काम आएगी, जो आज तक नहीं हो पाया, इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हमको इसमें उतारना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछ रहे हैं, आप इस संस्था को बड़े करीबी से जानते हैं और इस संस्था में जो भी चीज़ें हो रही थी, एक तो आप एडवोकेट हैं, इसके अलावा आप हर समाज से जुड़े हुए हैं, जो यादव संघ और अन्य राजनीति पार्टियों से सबसे जुड़े हुए हैं, आपको एहसास था कि इस विद्यालय में कुछ अनर्थ या अन्य तरीके से स्कूल या संघ चलाया जा रहा है? जानकारी थी इसकी मुझे लोगों से, लेकिन कोई प्रत्यक्ष सबूत मेरे पास नहीं था। मैं वकील आदमी हूँ, दोनों पक्ष को सुने बगैर मैं किसी को अपराधी घोषित नहीं कर सकता। आपके पास कोई समाज का ऐसा आया था? समाज के किसी ने कोई मैसेज नहीं दिया, ऊपर की खबर थी, लोग बाहर बाहर करते तो उन्होंने लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, पर कोई व्यक्ति प्रमाण के साथ मेरे पास नहीं आया इस तरह। ठीक है, कुछ चीज़ें हम बता रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, आपसे ये पूछना है कि यदि आप जानकारी रखते हैं तो हाँ में हाँ, जानकारी रखते हैं तो हाँ बोलिए, नहीं तो ना में ख़त्म कर देंगे। शेड्यूल वन में इलेक्शन होने पे जो बायलॉज है यादव जी का, जो अदर पैनलिस्ट लोग ने बताए कि सिलेक्शन और इलेक्शन दो वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है, तो एक बार 2011 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ, तो इस चीज़ को सिलेक्शन से काम चल रहा था और इसके बीच में समाज का बहुत सारा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास गया, क्या ये वापस आ सकता? नहीं, पैसे तो गवर्नमेंट में गए, वापस नहीं आ सकते। और 11 साल तक सिलेक्शन से कमेटी चली, ये बात गलत है, क्योंकि सिलेक्शन का कभी हुआ नहीं, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, हुआ ही नहीं था कभी सिलेक्शन, और इलेक्शन भी नहीं हुआ, दोनों नहीं हुआ था। तो कैसे पद्धति होती? पद्धति थी जैसे, अभी आरोप नहीं लगाना चाहता किसी ऊपर, जो प्रेजेंट कमेटी चल रही थी उसके अध्यक्ष आज भी अजय यादव हैं, उनके अध्यक्ष होते हुए दूसरे लोगों कैसे कब्जा करके रखा था, और अगर उन्होंने कब्जा करके रखा तो साइनिंग अथॉरिटी आपके पास थी, चेक आप साइन करते हो, हस्ताक्षर आप करते हो, सारे जो कुछ भी आप विद्यालय में होता है एडमिशन सब आप करते हो, तो कैसे हो रहा था? आपका ऐसा कहना है कि आप गुंडागिरी के बल पर लोग अंदर घुस गए, कब्जा कर लिए, तो जो लोग कल गुंडागिरी से घुस गए थे आगे चल के फिर घुस जाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं जब आप कब्जा नहीं कर सकते, जा नहीं सकते? तो संवैधानिक ढंग से आपने क्यों नहीं इसका उपयोग किया? क्यों नहीं पुलिस में गए, कोर्ट में क्यों नहीं गए, आप जनता में क्यों नहीं गए, समाज को क्यों नहीं बुलाया, इकट्ठा किया आपने? ऐसा हो रहा है, दो चार आदमी मिल के इतनी बड़ी गुंडागिरी करेंगे, पूरे समाज पर कब्जा कर लेंगे, ये मैं कैसे मान लूँ? तो चुनाव जीतने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? चुनाव जीतने के बाद देखिए, मेरा सीधा है कि मुझे इसमें नहीं पड़ना है कि कौन क्या करप्शन किया, क्या घोटाला किया, उसके लिए एक समिति गठन करना चाहूँगा मैं, जो तय करेगी, उसमें CA होगा, वो पता लगाए कहाँ से कौन सा चेक गया, कैसे गया, वो खाली मुझवानी नहीं चलेगा, ये कमेटी करेगी। बाकी दूसरा मेरा मैनिफेस्टो क्या है बताऊँ आपको साफ चीज़ें? देखिए, जो मैं विचार करता हूँ, जो जानकारी मुझे है, कि तीन ताकतें संसार में हैं जो आदमी को मजबूत बनाती है समाज को, एक धार्मिक शक्ति होती है, एक राजनीतिक शक्ति होती है और एक संवैधानिक शक्ति होती है। यादव समाज के हाथ से धार्मिक शक्ति निकल गई है, क्योंकि सिर्फ वो नाम का हिंदू है, वो हिंदू है नहीं। हिंदू धर्म में धर्म छोटा होता है, जातियाँ बड़ी होती हैं, जिसकी ताकत बड़ी है, जो बड़ा है वो उस पर कब्जा करता है, इसलिए हिंदू धर्म में हमारा कुछ है या उससे हम कोई ताकत पा सकें, सम्मान पा सकें, कुछ नहीं पा सकते। वो एक विशेष जाति के अधिकार में चला गया, वो हनुमान भी उनके हैं, राम भी उनके हैं, मंदिर भी उन्हीं का है, अयोध्या भी उन्हीं की है, प्रसाद भी उन्हीं का है और आशीर्वाद भी उन्हीं का, हमारा उस पर कुछ है नहीं। धार्मिक शक्ति चली गई,
राजनीतिक शक्ति भी यादों से कोसों दूर चली गई है। दो एक बार मौका आया था सत्ता में आने का, हमने भूल किया, नहीं हो पाए हम, चाहे जो भी कारण रहा। अब एक संवैधानिक शक्ति जो है वो हम शिक्षा की वजह से पा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक भी DM जो कलेक्टर है यादव नहीं है, 350 तहसीलों में एक भी तहसीलदार यादव नहीं है। ये 25 करोड़ की आबादी का यादव क्या कर रहा है? तो मैं चाहता हूँ इस विद्यालय के माध्यम से कम उस बच्चों को कोचिंग करा करके BEd से बाहर निकालूँ। पूरा यादव समाज सिर्फ BEd करना चाहता, IAS IPS नहीं कर रहा है। जब तक IAS IPS IRS आप नहीं करते उसका अधिकार आपको नहीं आएगा, और जब तक संवैधानिक अधिकार आपको नहीं आता है तब तक आप सत्ता में जुट नहीं सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते। दो अधिकार चले गए आपके हाथ से। तो मैं ये चाहता हूँ पहला कि इस विद्यालय में जब मेरी ताकत काम आती है या कभी मैं चुना गया, पहला काम करूँगा 30% रिजर्वेशन यादव बच्चों करवाऊँगा कि यादव जो बच्चे हैं उन्हें 30% एडमिशन को मिलना चाहिए। किस बेस पे? उसका मापदंड क्या हो? मापदंड नहीं, कुछ भी है, 30% वो कम मार कम रहे या ज़्यादा रहे, 100 सीटें अगर हैं तो 30 रिजर्व रहेगी यादव समाज के लिए। यादव समाज के लिए पूरी सीट का रिजर्व? 30% नहीं, 70% तो ओपन सबके लिए होगी। अगर विद्यालय में 100 स्थान है एडमिशन का तो 30% जो है यादव समाज के बच्चों के लिए होगा, उनसे बचेगा तब किसी को देंगे, बाकी 70% सबके लिए होगा। पहली बात ये, मैं ये चाहता हूँ जब बच्चे 12th के करीब पहुंच जाते हैं तो विद्यालय में कोचिंग चलाई जाए। कोचिंग करके CET जो एग्ज़ाम महाराष्ट्र में होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसमें IPR होने से क्या मेडिकल एडमिशन मिल जाता है, इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है, तो बच्चों को आसानी से एडमिशन मिल सके इसलिए हमको कोचिंग चलानी है। दूसरी, 12th के बाद 3 साल लगता है ग्रेजुएशन करने में, और IAS IPS 1 साल में तैयारी नहीं हो पाती, उसको 2-3 साल लग जाता है। 12th में सेलेक्ट करके 150 बच्चों को एक ग्रुप बनाऊँगा कि कम से कम उनको मैं तैयारी 3 साल कराऊँ, 4 साल कराऊँ। अगर 100 बच्चों को ट्रेन करता हूँ तो 10 आएंगे, 5 आएंगे, 4 आएंगे, 2 आएंगे, कुछ तो आएंगे जो आज तक प्रयत्न हुआ नहीं। महिलाओं के पक्ष में मैंने क्यों बोला, मुझे कई लोगों ने कहा कि मैंने ये क्लिप भी जारी किया है कि मैं अकेला क्यों चुनाव लड़ा। सारे पैनल के लोगों से मेरी बात हुई थी कि महिलाओं को भी जगह देना चाहिए, उनका भी हक है। यादव संघ सिर्फ पुरुषों का ऐसा नहीं है, महिलाओं का भी है। जिसकी आबादी आधी घर में बैठ जाएगी तो कैसे समाज तरक्की कर पाएगा, पहले बताइए मुझे। क्यों नहीं लाना चाहते आप बाहर? गोवर्धन पूजा में भी नहीं आती है, जन्माष्टमी भी नहीं आती है, कार्यक्रम में नहीं आती, वो कहाँ जाएंगे? कार्यक्रम सब ने मुझे वायदा किया था कि हम लोग करेंगे, आखिरी दिन जब नॉमिनेशन का लास्ट लिस्ट आई तो कोई औरत ही नहीं। हम लाचार हो गए, वरना हम खुद किसी न किसी को लेके आते थे। तो हमने विरोध किया, मैं कहा मैं खुद उतर रहा हूँ, क्यों नहीं तुम ले आना चाहते हो? ये कारण है। कई लोग कहते नहीं आप अकेले क्यों लड़ रहे हो, ये इसमें कारण ये था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ आनंद साहब आपको कि 78 महिलाएं लोकसभा में पहुंची हैं, जिसमें 2 यादवों की लड़कियाँ हैं, एक अन्नपूर्णा देवी हैं झारखंड से और एक ये यहाँ की मैडम है गुजरात की। मेरा कहना है कि 25 करोड़ की आबादी यादवों की है, 2 महिलाएं पहुंची हैं, जिनकी 5 करोड़ आबादी उनकी 35 महिलाएं लोकसभा में, तो हम कर क्या रहे हैं? इसलिए मैं नहीं कर पाया। वकील साहब आप वरिष्ठ हैं, न केवल शिक्षा में आप अधिवक्ता हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप जीत के आएंगे, जीत के आ गए, अब ये 4 पैनल में से किसी के साथ ही आपको बैठना पड़ेगा। आप चारों को कह रहे हैं कि इन लोगों ने महिलाओं का कोई नहीं दिया उम्मीदवारी, तो किसके साथ बैठ के जाएंगे, वो क्या आधार होगा? नहीं नहीं, देखिए पैनल चाहे जिसका जीत के आए, अगर मैं उस पैनल में जाता तो 8 रहेंगे, 1 रहूँगा मैं, तो कम से कम गलत चीज़ को रोक तो सकूँगा, डायरेक्शन तो दे सकता हूँ कि मुझे अंधेरी जाना है तो मुझे इस तरफ जाना है, उधर नहीं जाना, इधर तो चले जाऊँगा, पुनः चला जाऊँगा। तो जो दिशा विहीन समाज हुआ है, जो लोग उसमें बैठे हुए हैं, किसी के पास समय नहीं है, जाइए तो अपने काम में लगे हुए हैं। समय समाज को समय देना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, कार्यक्रम करना पड़ता है। तो अगर वो लोग मेरी बात नहीं मानेंगे तो कम से कम सही चीज़ को समझाऊँगा ना, 10 बात में 2 तो मान लेंगे, भले वो गलत होंगे लाख ठीक तो हो सकते हैं, ठीक करूँगा उनको, नहीं रोकूंगा उनको गलत काम करने के लिए, नहीं मैं समाज में जाऊंगा। अगर मेरी बात नहीं मानते, कोई गलत काम वहाँ उठा के हो रहा है कमेटी में, तो मैं आपके बीच आऊंगा, पूरे समाज में जाऊंगा, तो भाई ऐसा हो रहा है, मीटिंग कॉल करूंगा 100-200-400 लोगों का, तो आप रोकेंगे उनको? चलिए, एडवोकेट किलाचंद चाहते हैं कि समाज एकत्रित रहे और अच्छी एजुकेशन आए, समाज के लोग आगे बढ़ें। हम उम्मीद करते हैं कि 7 जनवरी को होने वाला चुनाव में भारी मतों से आप जीत कर आएँ। हमारी यही आपकी तरफ धन्यवाद।